किसी श्रद्धालु को किसी तरह की कोई असुविधा नहीं हो रही है। कल जो रणनीति बनाई गई आज उसको इम्प्लीमेंट किया गया। क्यू प्रॉपर तरीके से हम लोग ने बना दिया है, उसके लिए डेडिकेटेड चैनल बन गए हैं। सभी लोग संयम बरते हैं, सबको दर्शन होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं अयोध्या कल आए थे, सभी अधिकारियों ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की गई और एक रणनीति बनाई गई कि इसको कैसे इस जो है क्यू जो है उससे उसके उसके उससे कैसे निजात पाया जाए, तो वो उसके लिए व्यवस्था की गई। आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे बैरिकेडिंग की गई है, 4 रोज बनाए गए हैं, पब्लिक फैसिलिटेशन सेंटर चालू कराया गया है, तो उन सबकी बदौलत जो है उन सबकी बदौलत यहाँ पे आप देख सकते हैं कहीं कोई जाम नहीं है और कहीं किसी श्रद्धालु को किसी तरह की कोई असुविधा नहीं हो रही है। जो कल के बारे में बता सकता हूँ, हमारा अनुमान है कि 4.5 लाख लोगों ने दर्शन किया है। आज सुबह 7 बजे से लगातार दर्शन जारी है, अब संख्या तो दिन समाप्त होने पर ही पता चलेगा। धन्यवाद। नहीं, सरकार के ये निर्देश हैं कि हर वो व्यवस्था सुनिश्चित की जाए जिससे किसी भी श्रद्धालु को किसी तरह की कोई असुविधा न हो, हम उसी दिशा में काम कर रहे हैं। आज आपके नतीजा आपके सामने है, कल जो रणनीति बनाई गई आज उसको इम्प्लीमेंट किया गया। अयोध्या में जो कल और आज की व्यवस्था, सिर्फ इतना परिवर्तन है कि क्यू प्रॉपर तरीके से हम लोग ने बना दिया है, उसके लिए डेडिकेटेड चैनल बन गए हैं जिससे लोग जा रहे हैं एक तरफ से, दूसरी तरफ से निकल रहे हैं। बेहतर क्राउड कंट्रोल को करके हम लोग व्यवस्थाओं को और बेहतर सुनियोजित तरीके से चला रहे हैं जिससे कि दर्शनार्थियों को कोई किसी तरह का कोई कष्ट ना हो। तो कल जैसी भीड़ अब स्थिति नहीं है? नहीं, भीड़ भी कुछ कम है और व्यवस्थाएं भी बेहतर हैं, इससे ये इन चीजों को आप स्वयं देख सकते हैं। सर, श्रद्धालुओं से क्या अपील करेंगे जो आ रहे हैं? नहीं, सभी लोग संयम बरते हैं, सबको दर्शन होंगे, दर्शन के फ्लेक्सिबल टाइमिंग है, 11, 14, 15 घंटे का दर्शन की अवधि है, तो उसमें सभी लोग दर्शन कर रहे हैं।